स्नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी, आईने डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी ने आज JNTU में तेलंगाना स्टेट MCET 2021 के रिजल्ट जारी किए, जिसमें 82% उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पहले दो रैंक आंध्र प्रदेश के तलबा को हासिल हुआ। पहला रैंक वेस्ट गोदावरी की कार्तिकिया और दूसरा रैंक कड़पा के प्रणीत को मिला है, जबकि टोलुचो की हैदराबाद के मोहम्मद मोइन को तीसरा रैंक हासिल हुआ। शहर हैदराबाद में कोरोना टीका अंदाजी कामयाबी के साथ जारी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पुराने शहर हैदराबाद के उप्पू गुड़ा चंद्रायन गुट्टा के टीके अंदाजी के सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर इन सेंटर्स का मेडिकल स्टाफ से तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनर को तेलंगाना हुकूमत ने ट्रांसफर करते हुए इनको TSRTC का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ऑर्डर जारी किए। सजनर की जगह वेस्ट जोन के IG स्टीफिन रविंद्रा को कमिश्नर साइबराबाद पुलिस मुकर्रर किया है। मकान या फिर दुकान को किराए पर देने के लिए बिना इजाजत लगाए जाने वाले टू लेट के बैनर पर JHMC की जानिब से जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे ही एक वाकया शहर हैदराबाद के मूसापेट इलाके में एक दुकान मालिक के साथ पेश आया। इजाजत के बगैर ये बैनर लगाने पर इसको बल्दिया की जानिब से 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। BJP की 16 बयान लीडर विजय शांति ने आज तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय की पद यात्रा के सिलसिले में गानों की CD जारी की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया है कि हुजूराबाद का बाय इलेक्शन BJP जीतेगी और इसमें कोई शक नहीं। विजय शांति ने कहा कि वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अभी से हुजूराबाद बाय इलेक्शन में हार को कबूल कर चुके हैं और बेचारे बुकलाट में दलित बंधु, ये बंधु, वो बंधु स्कीम का ऐलान करने पर मजबूर हो गए हैं। BJP लीडर इटेला रंजन ने हुजूराबाद के जमी कुंटा में मुकामी अफराद से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव चाहे कितने करोड़ भी खर्च कर ले, हुजूराबाद बाय इलेक्शन में BJP की जीत पक्की है। उन्होंने मजीद कहा कि CM KCR को दलितों से नहीं बल्कि उनके वोटों से मोहब्बत है। मेडचल जिले के मुदूर चिंतापल्ली में जारी भूख हड़ताल के दूसरे दिन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेमर डंडी ने कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का वादा करते हुए इनको धोखा दिया है। उन्होंने आवाम से पूछा कि ऐसे हुकूमत को क्या आप माफ कर पाएंगे। गरीबों को डबल बेडरूम मकाना देने के डिमांड करते हुए तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में कलेक्टर ऑफिस के सामने BJP वर्कर्स ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में मुकामी अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हुई और धक्कम धक्की भी हुई। एक ज़हनी तौर पर मुतासिरा लापता शादीशुदा खातून, जिसको मुर्दा समझकर घर वालों ने दूसरी खातून की लाश की आखिरी रस्मों अंजाम दी थी, वो घर वापस हो गई। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले जगत्याल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के मेटपल्ली मंडल की जग्गा सागर गांव की रहने वाली 48 साल लक्ष्मी को 3 बेटियाँ हैं। गोवा से हैदराबाद वापस के दौरान संगरअड्डी में पेश आया सड़क हादसा, लड़की हालांकि दीगर 3 साथी शदीद जख्मी। तेलंगाना के जिले संगरअड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक लड़की हालांकि और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के चिंटल घाट चौराहा के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाली खातून के साथी ने इसका तवज्जो खो दिया और ये कार सड़क पर ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि लड़की मौके पर ही हलाक हो गई।
तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की हाईवे के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल बस की बस ड्राइवर ने इसका तवज्जो खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में बस के 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए पुलिस ने सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। निजामबाद के नंदी पेट में 1.5 फीट का कोबरा सांप नजर आया जिसके बाद मुकामी अफराद डर गए। मुकामी अफराद और किसानों ने 2 दिन तक इस सांप को वहां से हटाने की कोशिश की जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू सोसाइटी वालों को इस बात की इत्तला दी गई, जिस पर सरवर खान नामी नौजवान ने खेत में पहुंचकर चालाकी से सांप को पकड़ लिया और इस सांप को अपने साथ ले जाते हुए जंगल में छोड़ दिया। जिसके खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।